सावित्री की रसोई में एक कलौंजी बन के रेडी हो गई है। लीजिए, आप सभी एंजॉय कीजिए और मेरी फैमिली में सभी एंजॉय करेंगे आज। नमस्कार, सावित्री की रसोई में बनेगी आज टमाटर की कलौंजी। तो मैंने टमाटर लिए हैं 500 ग्राम आधे किलो, और टमाटर मैंने काट भी लिए हैं। एक टमाटर छोड़ा है, रख दिया है साबुत आपको दिखाने के लिए। तो लीजिए, मैंने इसका ऊपर वाला ये पार्ट हमें निकालना है, इसकी टिप निकाल देनी है, और ऐसे हम टमाटर इनको रफली काट लेंगे। तो देखिए, टमाटर पके होने चाहिए, लाल लाल एकदम बढ़िया। जैसे सर्दियों का मौसम है, अभी टमाटर अच्छे स्वादिष्ट और सस्ते भी आ रहे हैं, तो हम बनाएंगे कलौंजी। उसके लिए मैंने 500 ग्राम टमाटर काट के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें कुछ ड्राई मसाला चाहिए, भूनना है। मैंने उसके लिए 2 तेज पत्ते लिए हैं और 15 से 20 साबुत काली मिर्च ली है, 1 बड़ी इलायची ली है और 3 लौंग ली हैं। इसमें लेंगे हम धनिया 2 चम्मच, साबुत धनिया ले ली है, और लेंगे इसमें लेंगे हम जीरा 1/2 टीस्पून, और इतनी ही मैंने ली है ये सौंफ। अब इनको हम ड्राई रोस्ट करते हैं। हमारा मसाला भुन चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे ये कुटी हुई लाल मिर्च। आप जितना तीखा पसंद करें तो इसको भी इसी के साथ में हम गरम कर लेंगे, जो भी इसमें थोड़ी बहुत नमी हो वो इसी में, और इसी के साथ ही जल्दी भुन जाएगी, इसलिए मैंने इसे बाद में डाली है जो कुटी हुई लाल मिर्ची। देखिए, कढ़ाई रख दी है, इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल इसमें थोड़ी ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि इसका सेल्फ लाइफ इसकी लॉन्ग होती है। हम जब इसमें इतना तेल हमने डाल दिया है तो इसकी सेल्फ लाइफ और बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें तेल डाला है। अब इसको हम गर्म होने देते हैं। हम डालेंगे इसमें साबुत जीरा, थोड़ा सा इसमें साबुत जीरा डाल दिया है, और डालेंगे कसूरी मेथी इसी में, ताकि अच्छे से इसमें भुन जाए, और हम डालेंगे इसमें हींग हल्की सी, बिल्कुल ज़रा सी, और ये टमाटर। इससे पहले, टमाटर डालने से पहले इसमें हमें थोड़ा सा 2-3 चुटकी हल्दी पाउडर। अब हम डाल देंगे ये टमाटर, डाल दिए, इनको हम मिक्स करते हैं टमाटरों को। तो गैस की फ्लेम हाई कर देंगे, क्योंकि टमाटरों में अपना ये जूस होता है। तो लीजिए, टमाटर डाल दिए हैं और इनको हमने मिक्स भी कर दिया है। ये सब्जी बहुत जल्दी ही बन जाती है, कलौंजी। इसमें हमने डाला है काला नमक और सफ़ेद नमक। हमें नमक स्वाद के अनुसार ही डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। काला डाला है 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच हम सफ़ेद नमक डाल देंगे। लीजिए, कलौंजी हमने उस भुने हुए मसाले में पीस ली थी, आपको उसका वीडियो हमने दिखा नहीं पाया। और ये गुड़ लिया है, गुड़ है 250 ग्राम, 250 ग्राम। इसको तोड़ लिया था, तोड़ने से क्या होता है, जल्दी जल्दी से घुल जाता है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो गुड़ को हमने तोड़ के रख लिया था, ये 250 ग्राम। आप ज़्यादा या कम मीठा खाते हो, उसी हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारा ये भुना हुआ मसाला है, बढ़िया खुशबू दे रहा है, तो इसको हम डाल देंगे। लीजिए, इसको अभी हमने डाल दिया है और मिक्स कर देंगे, और इसे हम ढक के छोड़ देंगे। थोड़ा सा खुला रखेंगे साइड से, ताकि इसमें जो भी भाप बने वो निकलती भी रहे। हमारी कलौंजी ऐसी बनती है, वो तैयार हो गई। टमाटर भी पक चुके हैं और इनमें गाढ़ापन भी आना शुरू हो गया, क्योंकि टमाटर पक चुके हैं। इन्हें हम पूरी देर और इसी तरह से पकाएंगे। और हमने एक लिया है जायफल, इसको हम इसमें घिस देंगे। सर्दियां हैं, सर्दियों में हमें जायफल खाना फ़ायदा करता है, तो जायफल इसी में हमने ले लिया, और खुशबू भी अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने इसमें जायफल डाल दिया है।
बढ़िया खुशबू आ रही है। आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें, ना हो तो कोई बात नहीं है। लीजिए, बनके तैयार भी हो गई है। देखिए, आपको और बारीक करना हो तो आप इसे मिक्सी के जार में डाल के भी कर सकते हैं। हमने कलौंजी बनाई है, कलौंजी हमारे यहाँ ऐसे ही बनती है, और मैंने गुड़ की बनाई है। आप चाहें तो आप इसे चीनी की भी बना सकते हैं। प्लीज़, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, ना लगा हो तो प्लीज। टमाटर की कलौंजी बनके रेडी। सर्दियों की ये रेसिपी है, सर्दियों में सभी बनाते हैं, सभी को पसंद होती है, तो इसलिए मैंने भी बनाई है। आपको भी पसंद आएगी, आप बनाएंगे। सर्दियां निकल जाएंगी तो उसके बाद तो ऐसे टमाटर भी नहीं मिलते हैं, और टमाटर मेरे तो थोड़े खट्टे थे, इसलिए मैंने इसमें चाट मसाला या नींबू नहीं डाला है। आपके यदि मीठे हों टमाटर, ये देसी थे, इसमें हल्की सी खटाई होती है, तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। यदि आपके खट्टे ना हो तो आप इसमें चाट मसाला या नींबू का रस डाल सकते हैं।